अब दो पत्रकार कौन छट गए हैं बताओ जी, एक बात, मेरी बेटी खुशी ना रात भर सोती दो पत्रकार कौन छट गए हैं? आप लोग स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे। अच्छा तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है, बोलो है? हाँ जी, आप आ गए, हमने बुलाया, पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रखो रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आजनन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है, आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे चार पर्चे, नंबर एक से चार तक, और चारों पर्चे रख लेंगे, चार व्यक्ति चार पत्रकार चार व्यक्ति लेकर आएंगे, जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, दो की भी लगा देंगे। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी है? हाँ इसीलिए तो, हाँ हाँ, जो जा सकती नहीं है ना, तुम्हारे लोग जाओ, जाओ। हम लिख रहे जब तक, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है, देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गरम करवाओ हमारा, आओ। तुम लोग सीताराम जपो, भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना, हो सकता हो क्या? ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा, हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है, आई एम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। और चाय भी पियेंगे,
लो बालाजी, ऐसी चीजन में हमें बड़ो मजा आओ, कोनो की नाक काटवे में हमें बहुत मजा आओ। आओ आओ, शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया, 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। हाँ हाओ, अच्छा ना बोला लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा आज और नहीं आज नहीं तब कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना बिदवाइयो। आओ आओ, ठीक है हम मना कर देते, हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा, ए मत पत्रकार महोदय कुछ मत पूछिएगा अभी, पहले पर्चा बनने दीजिए, बना बनाए रखा है बा। अच्छा बहन एक बात, माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती, तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो, अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं, इन्हीं इन्हीं का अभी तो नहीं बदलना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बदल लो। नहीं नहीं नहीं, बदल लो बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारी नाक बच जे। नहीं, आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं, नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ये बताओ। जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हम तो अनपढ़। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर, इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैंने मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हूँ? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांग सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी जी। राम, नजदीक आओ। बालाजी आपके मन में 2 प्रश्न हैं, बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए जी। सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं। एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है, कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना। हाँ, कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है, उनको सिंगार देते रहिए, हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लग है, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल नहीं। जय सियाराम। जय सियाराम। लो उठो।